झारखंड के 12 जिलों के 31 व्यापारियों ने एक साल के दौरान 1600 करोड़ रुपए का व्यापार किया और सरकार को 150 करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचाकर फरार हो गए। इनमें 100 करोड़ से अधिक का व्यापार करने वाले रांची, हजारीबाग, धनबाद और दुमका जिले के व्यापारी भी शामिल है। इनमें सबसे अधिक कोयला व्यापारी है। केंद्रीय सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग ने इस सिलसिले में बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी सरकार को अलर्ट भेजा। इन व्यापारियों की सामग्रियों का उपभोग करने वाले इन्हीं राज्यों के हैं। फरार होने वालों में रांची के 4, हजारीबाग व रामगढ़ के 5, धनबाद के 6, बोकारो, कोडरमा व दुमका जिले के 2 और साहिबगंज, लोहरदगा, गुमला, देवघर व डाल्टनगंज के एक व्यापारी है। फरार हुए हजारीबाग के व्यापारियों ने 29,094 करोड़, झरिया के व्यापारियों ने 250.74 करोड़, रांची के व्यापारियों ने 210.30 करोड़, रामगढ़ के व्यापारियों ने 167.66 करोड़ और दुमका के व्यापारियों ने 154.23 करोड़ का व्यापार किया। अकेले 100 करोड़ से अधिक का व्यापार कर भागने वालों में सबसे बड़ा नाम झरिया की लोकनाथ ट्रेडिंग कंपनी की है। इस कंपनी ने 129 करोड़ रुपए का व्यापार किया। हजारीबाग के अफरोज अंसारी के नाम पर 126.73 करोड़ रुपए, दुमका की मां भद्रकाली स्टील के नाम पर 123.55 करोड़ रुपए और रांची के कुमार ट्रेडर्स के नाम पर 100.92 करोड़ का व्यापार करने के बाद संबंधित व्यवसायी अपने अपने ठिकानों से लापता है। जांच के दौरान पता चला कि व्यापारियों ने जालसाजी के लिए उपभोक्ताओं के आधार और अन्य दस्तावेज का इस्तेमाल किया। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में अपना घर बनाने के लिए लोग खुद ईंट बनवाते हैं। ऐसे लोगों द्वारा एक ट्रक या उससे अधिक कोयला खरीदा जाता है। नियमानुसार इतना कोयला खरीदने वाले के पास GSTN होना चाहिए, लेकिन निजी इस्तेमाल करने के लिए ईंट बनवाने वालों के पास GSTN नहीं होता। ऐसी स्थिति में कोयला व्यापारी उनसे आधार और पैन कार्ड की फोटोकॉपी लेते हैं।